है, बेबी बन गया, बेबी, छोटा बेबी। बोल बता दे। ये देखो प्रियंका खोल रही है जार को, फर्स्ट टाइम सरसों का साग बना रही हूँ, तो देखते हैं क्या हो रहा है। चाची ने पहली बार बनाया है। खाओ गज्जक, खाओ ये गज्जक, खाओ मूंगफली, खाओ सब खाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और समय हो चुका है 11 बज चुके हैं और चीकू और उसके पापा अभी भी बेड में हैं, क्योंकि रात को आ गया था चीकू को बुखार और अभी भी चीकू को लग रहा है ठंडा। चीकू बोल रहा है मुझे लग रहा है ठंडा, अभी ये बाहर निकलना नहीं चाह रहा। और स्कूल के नाम पे तो लड़के को ऐसे बुखार चढ़ रहा है कि पूछो मत, जब कल स्कूल जाना पड़ेगा तो पता नहीं क्या होगा। स्कूल जाना है आपको? नहीं। चले जाओ ना स्कूल, मैडम बुला रही है। जाओ ना। नहीं। तो जी ब्रेकफास्ट हमारा बन चुका है और ब्रेकफास्ट में है आज आलू मेथी की सब्जी और बाजरे का आटा, इसमें मैंने मेथी डाल के गूंदा है इसको, और ये बन गई हमारी चाय और ये रहा हमारा हल्दी वाला पानी। तो सबसे पहले हम पियेंगे हल्दी वाला पानी और अपनी दवाई खाएंगे, उसके बाद में हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे और फिर ब्रेकफास्ट खाएंगे। आया हमारे घर पे छोटा सा, छोटा सा कटोरा हुआ है, ठंडा लग रहा है इसको, ठंडा। फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं थेरेपी करवा के और जो है अभी थेरेपी का हल्का फुल्का असर, ज़्यादा कोई असर नहीं है। और अभी थोड़ी धूप निकल गई आज, तो चीकू जो है रात से थोड़ा बीमार था, अभी थोड़ा बेटर है तो धूप सेकने के लिए आया हुआ है छत पे और धूप में साइकिल चला रहा है। उसकी मासी आई है उसके साथ इंजॉय करने, मिलने उसको, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी कल, इसलिए। जा रहे हैं सरसों का साग, आज मैं फर्स्ट टाइम सरसों का साग बना रही हूँ, तो देखते हैं आज सरसों का साग कैसा बनता है, बनता भी है कि नहीं बनता है। तो उसकी मैंने थोड़ी तैयारी कर ली है। ये है पालक और सरसों जो कि मैंने धो के और काट दिया है, और ये है बथुआ, इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम इनको पहले कुकर में डाल के सीटी लगवा लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये कुकर में डाल दिया है अपना साग, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है पानी, थोड़ा सा, बिल्कुल आधी कटोरी से भी कम। और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा नमक, और अब हम इसमें लगवाएंगे विसल। तो जी अब मेरा साग उबल चुका है और मैंने इसमें 5 सीटी लगवाई है, अब इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। हम इसको हाथ से, वो मतलब हाथ से पीस पीस के नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में है दर्द और ज़्यादा इसको पीसने में लगा दिया जोर तो भाई हो जाएगा कल्याण। थोड़ा सा हम डाल लेंगे पहले साग, इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे मैश।
हमने ज्यादा साग बचा दिया, थोड़ा सा साग इसमें डाल दिया है। और जी अब मेरे साग में ये हम डाल रहे हैं अदरक के टुकड़े और ये लहसुन और ये हरी मिर्च, अब हम ये इस साग में ऐड कर देंगे। मेरा बेटा आलू काट रहा है। मासी कहाँ से लाए मासी? क्या हो गया? अब हम इसको कर लेंगे ग्राइंड चटनी की तरह थोड़ा। तो जी अब ये देखिए ये थोड़ा पतला हो गया, अब हम इसमें बाकी का साग मिलाएंगे जो कुकर में है, और हम इसको पतला नहीं करेंगे ज्यादा, इसको थोड़ा मोटा रखेंगे। ये देखो प्रियंका खोल रही है जार को। अभी थोड़े दिन पहले हमारे घर में पानी नहीं आया था क्योंकि पाइपलाइन की कुछ सफाई चल रही थी, तो हमने ये जार मंगवाया था। और ये देखो इस लड़की से जार नहीं खुल रहा है, तो मुंह से हाथ से जैसे मर्जी खोल देगी, पर आज ये जार खुल के रहेगा। खोल प्रियंका, कम ऑन, जोर लगा के। ओए मेरा हाथ ही टूट गया। खुल गया और लग भी गई प्रियंका के हाथ में। गिरा दो क्या इसमें? ना? नहीं जग में डाल, बिस्लरी का पानी है, गिराएगी। अच्छा पैसे वाला है। और क्या। और ये कर लिए हमने अपने सारे तड़के की तैयारी, खूब सारा टमाटर, खूब सारा प्याज और हरी मिर्च और अदरक, और ये रहा हमारा लहसुन खूब सारा। अभी हम लगाएंगे अपने साग में बढ़िया सा तड़का। तो जी अब ये पिस चुका है फाइनल, अब हम इसको डालेंगे कुकर में वापस और इसको लगाएंगे, थोड़ा सा सुखाएंगे। ये पानी इसमें जो रह गया था इसी पानी में हम इसको डाल देंगे और इसको डाल के बढ़िया से थोड़ा सा सुखाएंगे, फिर हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो जी जब तक ये साग उबल रहा है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मक्की का आटा, जो कि मैं बहुत दिन पहले लाई थी, बहुत दिन पहले नहीं मतलब थोड़े दिन पहले लाई थी, ये सोच के कि हम मक्की की रोटी बनाएंगे, पर कुछ चांस मिला नहीं। और आज मैं साग बना रही हूँ तो आज हम मक्की की रोटी भी बनाएंगे। इसमें हम थोड़ा डालेंगे गरम पानी ताकि इसमें गिल्टियां ना पड़े। तो अब हो गई है हमारी तड़के की तैयारी, अब हम डालते हैं सबसे पहले इसमें देसी घी। ये हम लाए थे कंट्री डिलाइट का, पर ये घी हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर मजबूरी का नाम पता ही आपको क्या होता है, इसीलिए हमने इसी से काम चला रहे हैं फिलहाल। और अच्छे से देसी घी डाल के हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब हम इस पे डाल देते हैं अपने कटे हुए लहसुन। और अदरक। अब हमारे लहसुन अच्छे से हो चुके हैं फ्राई, अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज। मेरा लड़का भी कर रहा है ब्लॉगिंग और वो भी कह रहा है इसमें डालेंगे प्याज। अब हमारा अर्जुन भी करने लग गया है ब्लॉगिंग, जब मैं टपक दिखाऊंगा, जब मैं थोड़ा अब हमारा अर्जुन भी थोड़ी ब्लॉगिंग करने लग गया है, तो उठा के और फोन और यहाँ वहाँ घूमता रहता है, और अभी उसको ढंग से कैमरा हैंडल करना नहीं आता, फिर भी बेचारा पूरा प्रयास करता है वो। हमारे प्याज भी फ्राई, अब हम डाल देते हैं हरी मिर्च। Thank you.
और टमाटर। जी ये हमने डाल दिया साग अपने तड़के में, और इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नमक और मिर्च और लहसुन लहसुन जो भी डाला हुआ है इसमें सामान, वही साग का स्वाद बढ़ाता है। साग में कोई भी मसाला ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो स्वाद कड़वा हो जाता है थोड़ा। और ये हमारा साग हो गया रेडी, और मैंने अपने कुकर से बिल्कुल साग निकाल लिया है। जो फूड ब्लॉग दिखाते हैं भाई, आधा खाना तो वो कुकर में ही छोड़ देते हैं, पर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने सारा निचोड़ डाला उसमें से साग। बड़ी मेहनत लगी है यार। अब हम गूंध लेते हैं मक्की का आटा, क्योंकि सरसों के साग के साथ तो मक्की की रोटी ही अच्छी लगती है। तो इसमें हमने डाला है मक्की का आटा और गेहूं का आटा, थोड़ा मक्की का आटा 3 कटोरी, 1 कटोरी गेहूं का आटा, धनिया हरी पत्ती और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। अब हम इसे गुनगुने पानी से गूंध देंगे। अब हम बना रहे हैं मक्की की रोटी, और मक्की की रोटी का आटा हम गूंध चुके हैं। आटा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा गूंधा है, और इसको हम जो है डायरेक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि ये टूट जाएगी, इसलिए हम इसको पॉलीथीन पे पहले हमने घी लगाया है और फिर हम इस पे बनाएंगे। और ये मैंने साफ पॉलीथीन लिया था बिल्कुल। काट दे, बन जाएगी तब दिखेगी। तो जी ये बन गई हमारी मक्की की रोटी। अरे वाह, तो आज मिल रहा है भाई रात का खाना में मक्के की रोटी, सरसों का साग और आलू गोभी की सब्जी। तो बहुत टाइम बाद आज खाने को मिल रहा है, और कैसा स्वाद है खाने में, कैसा बना हुआ है आपसे अभी बताते हैं। टेस्टी हो रहा है, चाची ने पहली बार बनाया है, बहुत टेस्टी। पहली बार नहीं, पहले भी बना चुकी है। नहीं, पहले नहीं बनाया। सरसों का साग पहली बार बनाया है। देखो चाचा को याद ही नहीं है, इसको तो इनको कुछ याद भी होता है। टेस्ट बहुत अच्छा रहा, धन्यवाद आपने इतना अच्छा खाना बनाया, वो भी खास तौर पे सरसों का साग और मक्के की रोटी। मजा आ गया, थैंक यू। और इसी को देखो गुड़ खा रहा है ये, मुंह भर भर के। नहीं है, कुछ भी खा लो, गुड़ गुड़ खा रहा है। तो जी डिनर हमारा हो चुका है सबका, और आप सब ओवरलोडेड है क्योंकि सबको खाना ज्यादा टेस्टी लग रहा था। और ये बैठे बैठे चीकू के पापा तो बैठे बैठे ही लोड़ा कर रहे हैं। और ये है चीकू, चीकू का तो हिसाब नहीं समझ में आता। मुझे नींद इसलिए आ रही, मैंने जिम में ज्यादा मेहनत किया, खाना ज्यादा खाया है आज, टेस्टी था इसलिए नींद। बैठे बैठे लोहड़ी आ गई है, और लोहड़ी के उपलक्ष्य में मेरी माता श्री ने हमें ये सामान भेजा है, खाओ खूब और थोड़े से फूल जाओ, खाते जाओ, मूंगफलियां खाओ, गज्जक खाओ, ये गज्जक खाओ, मूंगफली खाओ, सब खाओ मिलके। मम्मी को बहुत बहुत थैंक यू वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से। पापा को बहुत सारा थैंक यू। तो जी आज के ब्लॉग को करते हैं यही समाप्त। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग लगा होगा अच्छा। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना प्लीज मत भूलिए, और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, क्योंकि हमारे चैनल को आपके प्यार की बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे।